तो फाइनली जी हमने इनके जितने भी USD से डॉलर थे हमने एक्सचेंज करवा लिए हैं। अब मैं जा रहा हूँ, मैंने अपनी जो फीस के डॉलर हैं। जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। तो फाइनली जी हम आ चुके हैं एक पाकिस्तानी होटल में, तो वहाँ पर हम वेलकम एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज मेरे साथ हैं, नाम क्या है आपका? फहद खान। फहद, और आप? जियाउर रहमान। जिया, ये दोनों हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं और ये न्यू बैच आया है, ये उनमें से दो स्टूडेंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो USD एंड डॉलर वो एक्सचेंज कराने थे कुम से, तो मैंने अपनी फीस वाले डॉलर उठाने थे कुम से और इन्होंने तो मान लेने थे, ईरानी करेंसी लेनी थी। तो हमने सोचा कि जाते हैं कुम, वहाँ से मैं अपनी फ़ीस उठा लूँगा और इनकी करेंसी एक्सचेंज करवा लेंगे। तो करते हैं अपना सफ़र स्टार्ट। तो हमने स्नैप कराई है, स्नैप हमारी आ गई है, तो बैठते हैं स्नैप में। तो जी हम स्नैप में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड कुम। ये हमारे हॉस्टल के साथ ही जो पार्क है, ये उसका व्यू है। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए तेरे हाथ। ठीक है। अच्छा फात भी, कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा आपको ईरान आकर कैसे महसूस हुआ, कैसे लगा ईरान? ईरान खूबसूरत है, ये शहर तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा। जितना 2-3 दिन में घूमे, और यूनिवर्सिटी भी खूबसूरत है। अच्छा, और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, मौसम का पूछ रहा था, मौसम अच्छा है? मौसम अच्छा है, ठंड है लेकिन अच्छा है। और आप अब कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं कुम। कुम, तो वहाँ से हमने करानी है करेंसी एक्सचेंज और सारे कुछ काम करने हैं। तो ये थी हमारे फात भाई, और ये इंडिया से है। इंडिया किस सिटी से है? नुहू से हरियाणा से है ये। और आप, आपको मिलाते हैं इंडियन दूसरा स्टार कह लें आप, तो वो मिलाते हैं आपको। और ये है हमारे भाई जियाउर रहमान। भाई कैसे हैं? बहुत अच्छा है। अच्छा, ईरान आकर कैसे महसूस हो रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब एनवायरनमेंट भी अच्छा है और मतलब फैसिलिटी वगैरह सब अच्छी है, इस्लामिक कंट्री है। कुम से हमने करानी है करेंसी एक्सचेंज, तो करेंसी एक्सचेंज कराएंगे और उसके बाद हम आएंगे वापस। तो हमारे साथ व्लॉग में जुड़िए रहिए, आपको दिखाते हैं ईरान का व्यू। तो फाइनली जी हम कुम पहुंच गए हैं। तो आप उस अंकल को देने पैसे, हमारे पास कार्ड है तो कार्ड यूज़ करते हैं और उसको पैसे देते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं कार्ड। तो ये जी आ गए हमारे तुमान, अब रिसेप्ट ले लें। किधर गई, आ जा भाई। तो आप देते हैं उस अंकल को पैसे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरम में। ये हमारी बैक साइड पे हरम है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी वो एक्सचेंज वाले को कॉल की है, उसने कहा मैं इधर हरम के बाहर आ रहा हूँ, जो पुल है ना, पुल आंची हरम के बाहर, तो वो वहाँ आ रहा है। तो हम यहाँ पर उसके इंतज़ार में खड़े हैं, तो बाहर जाते हैं और उससे मिलते हैं और पैसे एक्सचेंज करवाते हैं। हमारे डॉलर एक्सचेंज हो गए हमारे भाइयों के, तो वो तो काफ़ी मिलियंस में थे,
जेबें भर गई हैं और अब हाथों में पैसे आ गए। तो फाइनली जी हमने इनके जितने भी USD थे, डॉलर थे, हमने एक्सचेंज करवा लिए हैं। अब मैं जा रहा हूँ, मैंने अपनी जो फीस के डॉलर है ना वो उठाने हैं। एक इधर साथ में आदमी है, उसे मैंने PKR उसके अकाउंट में दिए होते, तो उसके पास चलते हैं और मेरी फीस लेते हैं। मैंने प्रायोरिटी दी कि पहले इनके पैसे एक्सचेंज करवा लें, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं, तो ये तो इतना तो इनका हक बनता है, अभी न्यू दिन है इनके। तो चलते हैं और मेरे डॉलर लेते हैं और फिर यहाँ पर जो पाकिस्तानी होटल है तो उधर जाते हैं, बिरयानी वेरी खाते हैं, बिरयानी शिरयानी खाते हैं और उसके बाद फिर स्नैप लेते हैं और जाते हैं ख्वाबगाह की तरफ। तो मैंने भी अपने सेमेस्टर की जो फीस थी वो भी ले ली है, मैंने कौन से लेनी थी तो मैंने वो उठा ली है। तो फाइनली जी हम आ चुके हैं एक पाकिस्तानी होटल में, तो वहाँ पर हम पाकिस्तानी और इंडियन मिक्स होटल है, तो वहाँ पर हम खाना खा रहे हैं। ये हमने कुछ सालन मंगवाया और इसके साथ है हमारे पास खीर और ये रोटी है और वाटर और ये हमारे बच्चे खाना खा रहे हैं। तो फाइनली हमने अपने इनके करेंसी एक्सचेंज हो की है, मैंने अपनी फीस भी ले ली है, तो टाइम भी बहुत हो गया। कितना टाइम हो गया? तो टाइम बहुत सारा हो गया। तो अब हम चलते हैं वापस अपने हॉस्टल की तरफ। तो हमारी स्नैप हमने करवाई है, टैक्सी वो आ गई है और हम बैठते हैं और चलते हैं हॉस्टल की तरफ। तो आई होप कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इंशाल्लाह।